नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएलके मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडित। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कश्मीर के जीवान इलाके में गत दिवस आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान को जिला पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूरे घटनाक्रम का विवरण दिया और कहा कि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नज़दीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टिरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये खरू से पांपड़ और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। तीन टेररिस्ट में 2 फॉरनर था, एक लोकल था। सर, इनपुट्स के बाद भी ऐसा हमला देखा गया? देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरोपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और उनको पता था? जी सर, बिल्कुल ये प्लान अटैक था। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा, ये देखता होगा कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में, ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी। और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर में गत दिवस हुए आतंकी हमले को लेकर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने भी आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। रानी पार्क इलाके में संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और इस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार से मांग की है कि एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। अशोक गुप्ता ने इस मौके पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर के, और जो जख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को सुख शांति दे, अच्छे स्थान पर भगवान रखे, और जो इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएँ, इसके विषय के अंदर भगवान से प्रार्थना। और पुलवामा कांड जो दोहराने का प्रयास किया गया, हमारी सिक्योरिटी फर्स्ट ने उसको नस्तनबूद कर दिया। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के प्रबंध, सुरक्षा के प्रबंध दिल्ली की और जम्मू कश्मीर की सरकार को सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास करना होगा। और ये जो एक बच्ची, ये बार बार महबूबा मुफ्ती से पूछने का प्रयास करना चाहती है, महबूबा मुफ्ती जी, मिलिटेंटों के लिए 2 गज ज़मीन तो आपको चाहिए, लेकिन इस बच्ची की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती? फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, ये बच्ची के विषय के अंदर तो विचार करो।
ये बच्ची कहाँ जाएगी, इसके घर वाले, इसके पापा को मार दिया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, ये जो आरसपुरा बॉर्डर के अंदर एक महिला गिरफ्तार हो गई और श्रीनगर के अंदर कुछ मिलिटेंट पकड़े गए, एक बहुत बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर को नाकाम खलल डालने का प्रयास करने की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में पुलवामा हमला दोहराने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समर्थन देते हुए गत रात्रि पुलिस के जवानों की एक बस पर आतंकी हमला किया, जिसके विरोध में आज मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिंपल ने न्यूप्लॉट इलाके में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा जलाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि फेल हो गई केंद्र सरकार, पाकिस्तान को सबक सिखाए। सुनील डिंपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे एक बार फिर कश्मीर का दौरा करें ताकि वहां के सूरत हाल का वे अपने नजरों से जायजा ले सके। ये एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पे हमला है, ये फिर से दूसरा पुलवामा दोहराने का प्रयास किया गया है, ये पूरे भारतवर्ष पे हमला है। ये हालात जम्मू कश्मीर में 1990 से बदतर हो गए हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि वह जम्मू कश्मीर का दौरा करें, साथ में सांसद में जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बयान जारी करें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के, इस खून खराबे को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा क्या है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी गत दिवस कश्मीर में पुलिस बस पर किए गए हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए ताकि वे आतंकवाद को बढ़ावा ना दे सके। जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां उसके द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। देखिए कल भी एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हमारे 2 पुलिस के जवान शहीद हुए और 12 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। इससे पहले भी हमारे 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लगातार पाकिस्तान अपने यहाँ से प्रशिक्षित कर आतंकवादियों को कश्मीर की धरती के अंदर भेज रहा है और लगातार वहाँ पर आतंकवादी वारदातें जो हैं वो कर रहा है। और कश्मीर बेस के जितने नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्यों बातचीत होनी चाहिए। जिला पुंछ में सुरक्षा बलों ने आज एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया। मारे गए आतंकी से AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद किए गए। इसी के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। सेना द्वारा इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जनता के टैक्स का सरकार और भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और यकीनन ही आज की तारीख में जम्मू कश्मीर पहले पायदान पर पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। मिल बांटकर सरकारी खजाने की लूट की जा रही है। सरकारी अफसर और भारतीय जनता पार्टी के सियासतदान मिलकर जिस तरीके से टैक्स पेयर मनी को चूना लगा रहे हैं, उसी के विरोध में आज हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर प्रदर्शन किया है और इन लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। देखने में ये आ रहा है कि BJP के लोग, जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है, उनको बड़े बड़े सरकारी बंगलों में बिठाया हुआ है, मिनिस्टीरियल बंगलों में बिठाया हुआ है। कोई किराया उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है, कोई बिजली का लाखों रुपए का बिल उनके नाम पर है लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है और मिली भगत से टैक्स पेयर मनी को चूना लगाया जा रहा है।
शिवसेना बाल ठाकरे ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी का पौराणिक मार्ग फिर से बहाल किया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के प्रधान मनीष साहनी ने कहा, माता कोल कंडोली देवस्थान जो माता वैष्णो देवी का पहला दर्शन कहलाता है, वहां कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना पारंपरिक मार्ग पर यात्रा बहाली को लेकर एक अभियान शुरू कर रही है, ताकि श्रद्धालु संपूर्ण यात्रा मार्ग के बारे में जागरूक हो सके। आज शिवसेना पौराणिक जो तरीके से पौराणिक स्वरूप में जो पौराणिक रूट के साथ, जहां पहला दर्शन कोल कंडोली था, दूसरा देवा माई था, उसके बाद हम बाण गंगा चरण पादका और आगे की यात्रा तय करते थे, उसी यात्रा बहाली को लेकर आज हम जागरूक कैंप शुरू कर रहे हैं। हम देश भर से तमाम शिव सैनिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो है जागरूक किया जाएगा, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा, जगह जगह हम पोस्टर लगाएंगे और इसके साथ ही हम मकर संक्रांति के शुभ दिन पर 14 जनवरी को एक विशाल यात्रा का आयोजन भी शिवसेना करने जा रही है, जिसमें देश भर से माँ के भक्तों को, तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, ताकि उनको पौराणिक स्वरूप के अंदर जिस तरह से हम पहले रूट के अंदर यात्रा करते थे, उसी तरह से यात्रा लेकर जाया जाएगा। ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होगी और आप लोगों के माध्यम से हम देश भर से तमाम शिव सैनिकों को, माँ के भक्तों को, तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और जम्मू संभाग की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित के लिए कई काम किए हैं और इलाके में शांति बहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आने वाले चुनाव में लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। बीजेपी ना मिशन या मुख उपभोग नहीं, जेड़ा फरमान नबी रहमत साहब ने कीता कि हर शख्स ने दिल विच उपभोग नहीं ना जज्बा होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी उसी मंडे वाली पार्टी। मैं कह रहा अगर नबी रहमत साहब ने फरमाया कि हर शख्स ने दिल विच उपभोग नहीं ना जज्बा होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करो मुल्क, और ना आ गया यह हुब्बुल वतनी का जज्बा। और यह हुब्बुल वतनी का जज्बा जो फरमान नबी रहमत साहब ने कीता, इसकी अगर कुछ दुनिया ने लोका बिचू अमानदारी नाल अगर कुछ मनिया, ये साढ़े बॉर्डर ने, रजौरी पूंछ ने, लोके सुरनकोट ने, लोके जिन्ना मुश्किल तरीन आलात देखने हुई भी मुल्क का झंडा हमेशा बुलंद रखिया। मैं तुझे सलाम पेश करना या सलूक पेश करना। जम्मू कश्मीर दे बिच आज अगर अमन की फिजा वापस आ रही है तो मैं समझना पूछ रजौरी के लोगों का बड़ा एक रोल है। तुम किसी का हक नहीं मंग रहे, तुम किसी का हक नहीं छीन रहे, लेकिन अगर अपना हक नहीं मंगोगे तो कोई देंदा भी सूटे बच्चे को मां भी दूध नहीं पिलाती। राजौरी डाक बंगलों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी, वरिष्ठ नेता चौधरी जुल्फिकर अली सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। अधिवेशन के दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी लोगों का नेतृत्व कर सके। उन्होंने इस मौके पर 370 और 35A जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी पार्टी के नजरिए के बारे में अवगत करवाया। जो डेली वेजर्स हमारे हैं ये फौरन से पेशतर परमानेंट होने चाहिए, और ये क्यों नहीं आज तक रिस्टोर किया, उन्होंने उनको क्यों नहीं आज तक परमानेंट किया, ये तो उस कैबिनेट में वो लोग भी थे, ये क्या कहते हैं। तो मेरा मानना है कि ये इनकी नियत ही नहीं है किसी और की। बाकी अपनी पार्टी की जहाँ तक बात रही, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इलेक्शन आएंगे और हम पूरी उम्मीद है कि नई सरकार हमारी होगी।
मोक्ष एकादशी गीता जयंती के मौके पर उम्मीद संस्थान द्वारा लोगों को भागवत गीता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर फवारा चौक में स्टॉल लगाकर गीता सहित अन्य धार्मिक किताबें वितरित की गई। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर सिद्धार्थ व प्रधान अर्नब लंगर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और कुछ पैसे से हम ये महान ग्रंथ लोगों में बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसी के साथ हमारी संस्था गरीब और बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े वितरित करने का काम भी कर रही है। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी थी, चार वेदों के वो ज्ञानी थे, ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने प्रचार किया, तो हम चाहते हैं इनका ये ज्ञान सब तक पहुंचे। अभी हमने रिसेंटली देखा था मिस यूनिवर्स जो है, उन्होंने भी इसराइल के प्रेसिडेंट को यही भगवद गीता ज्योति की बुक। साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं। वो बोलते हैं मैंने जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ समझा है, सिर्फ भगवदगीता की वजह से समझा है। इस वक्त जो है हम जो मेन ध्यान देते हैं अपने अखरूट के रिलेटेड, अगर हमें कुछ एनिमल के रिलेटेड कुछ हर्ट हो जाता है कोई, उसके रिलेटेड कुछ काम के लिए आता है फोन आता है, तो हम उस पर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो किसी कोई फैमिलीज को हमारी ज़रूरत है, अगर उनका कुछ हो जाता है, उसमें जो हम आगे बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, हम सब भाई मिल के जो अपनी तरफ से कर पाते हैं वो सब कर रहे हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य चेयरमैन सनी कांत चिब की अध्यक्षता में युवाओं ने गांव घराना के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों की भूमि घराना वेटलैंड विस्तार में आई है, उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इसी तरह किसानों को अनदेखा करने का प्रयास किया तो उनका संगठन आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो जाएगा। हमारी जो डिमांड्स है एक बहुत ही सिंपल एक ही साधारण डिमांड है, जिसको कि कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे काफ़ी दिनों से जो है वो डिमांड रखी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम करना था वो कर चुकी, जो कि फेंसिंग अपनी वो तार करके कवर करके वहाँ पे पूरी अपनी बंद करके उस जमीन को कवर करके अपने घरों में बैठ गए, लेकिन उन किसानों का आज तक सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ये प्रदर्शन जो है हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, सुचेतगढ़ के एक एक एरिया में जाके प्रदर्शन होंगे जब तक उनको इंसाफ ना मिले। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को सीमावर्ती गांव गराना का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के समर्थन में उन्हें आंदोलन भी करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेगी। आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी और इसी मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक लेकर जाएगी। किसानों की मल्टी क्रॉप जो लैंड, हाईली फर्टाइल लैंड जो ली जा रही है सरकार द्वारा, इनके साथ इनकी रोजी रोटी का मसला है, इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अगर पास में चिकरोई फार्म है जो कि डिफंक पड़ा हुआ है, जिसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाए और ये एमिकेबली सोल्यूशन हो, कोर्ट में इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बेचारे गरीब लोग कब तक कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे, कब वकीलों की जेबें भरते रहेंगे। एमिकेबली सरकार को, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। एकमात्र सोल्यूशन है कि जो चकरोई फार्म है वहाँ पे किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। अररिया के गांव शेखुपुर में आज रशपाल सिंह का 22वां शहीद दिवस मनाया गया। इसी मौके पर पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद के परिजन और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। यमुना गंगा कुशल भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शहीद रशपाल सिंह जी का शहीदी दिवस है। हर साल जहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ ये शहीदी दिवस जो है वो यहाँ हर साल यहाँ मनाया जाता है, उनके परिवार के सभी लोग, यहाँ के गांव के सभी लोग और आसपास के जितने भी हमारे प्रमिनेंट लोग हैं इस एरिया के, वो आके यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि रशपाल सिंह जी को अर्पित करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन।